मॉर्निंग चिल्ड्रन, ये मेरा थर्ड वीडियो होगा आप लोगों का साइंस का, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। इसकी थर्ड एक्सरसाइज है, नेम द ग्रुप ऑफ टू विच द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग टू बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स। आप लोगों को उनकी फीडिंग हैबिट्स के आधार पर इनको ग्रुप में डिवाइड करना है। पहला है आपका हॉर्स, तो हॉर्स कौन सा होता है आपका? हर्बिवोरस। हॉर्स कौन सा एनिमल्स है? हर्बिवोरस। तो यहाँ पर आप लोगों को हॉर्स को क्या लिख लेना है बेटा? हर्बिवोरस। सेकेंड है लायन, लायन आप लोगों का होता है कार्नियोरस। लायन क्या होता है बेटा? कार्नियोरस। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? लायन क्या आ जाएगा? कार्नियोरस। थर्ड है बियर, बियर क्या हो जाएगा? ओमनियोरस। बियर क्या हो जाएगा? ओमनियोरस। अगला है स्नेक, स्नेक क्या करता है बेटा? स्वेलो देयर प्रे होल। स्नेक अपने जो शिकार है उसको पूरी तरह से निगल लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्वेलो देयर प्रे होल, स्वेलो देयर प्रे होल्स। और जो मंकीज होते हैं, मंकीज है आप लोगों का, तो ये भी कौन सा एनिमल्स है? ओमनियोरस। मंकी कौन सा एनिमल्स है? ओमनियोरस। यहाँ तक सबको समझ में आया? आपको यहाँ पर बताना है कि एनिमल्स किस चीज़ को बिलोंग करते हैं। तो पहले मैंने बताया हॉर्स आपका हो जाएगा हर्बिवोरस। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हॉर्स क्या हो जाएगा? हर्बिवोरस। सेकेंड है आप लोगों का लायन, क्या है? लायन। लायन आपका क्या हो जाएगा बेटा? कार्नियोरस। लायन क्या हो जाएगा? कार्नियोरस। थर्ड है बियर, बियर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ओमनियोरस। बियर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ओमनियोरस। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? उसके बाद है बेटा आप लोगों का स्नेक। स्नेक को मैंने बताया बेटा कि स्वेलो देयर प्रे होल, जो अपने भोजन को पूरी तरह से निगल लेता है उसको बोलते हैं स्वेलो देयर प्रे होल। और मंकी, मंकी भी आप लोगों का क्या है बेटा? ओमनियोरस। मंकी क्या है आप लोगों का? ओमनियोरस। अगला है आप लोगों का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर दिए, इसके आंसर आप लोगों को लिखना है। इसको मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, चलिए इसको देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन दिया है आप लोगों का व्हाई डू एनिमल्स नीड फूड। क्या लिखा है? व्हाई डू एनिमल्स नीड फूड, एनिमल्स को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? आप लोगों ने आंसर लिखा है एनिमल्स नीड फूड टू लिव, गेट एनर्जी एंड स्टे हेल्दी। एनिमल्स को भोजन की आवश्यकता रहने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यकता होती है। क्या लिखा हमने आंसर? एनिमल्स नीड फूड टू लिव, गेट एनर्जी एंड स्टे हेल्दी। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। व्हाट डू यू कॉल एनिमल्स, आप उन एनिमल्स को क्या कहते हैं जो प्लांट्स और फ्लैश, दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं आपको मालूम है? तो उसका आंसर होगा दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीओरस। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं? ओमनीओरस कहलाते हैं। थर्ड है नेम थ्री एनिमल्स विच स्वेलो देयर फूड्स एस होल। ऐसे एनिमल्स जो अपने भोजन को पूरी तरह से निकल लेते हैं उनके नाम बताना, ऐसे तीन एनिमल्स के नाम बताना है। तो पहला होगा इसका स्नेक, सेकेंड होगा लिजार्ड और थर्ड क्या होगा बेटा? फ्रॉग। थर्ड क्या होगा? फ्रॉग। अगला है व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन नेविंग एंड च्यूइंग द कर्ड। आपको जो नेविंग है और च्यूइंग है उसमें क्या डिफरेंस है आपको बताना है। तो आपने लिखा है नेविंग इज टेकिंग स्मॉल बाइट्स एट अ टाइम। नेविंग यानी छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे बाइट्स लेना, छोटे छोटे चीज़ को कुतरना, वो क्या कहलाता है? नेविंग कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है रैबिट या स्क्वेरल। और च्यूइंग है चीविंग द कर्ड इज चीविंग द फूड दैट वॉज स्वेलो बिफोर। मतलब चीविंग का मतलब ये होता है बेटा कि पहले कोई चीज़ को निगल ले और फिर उसके बाद उसको फिर से चबाए बाहर निकाल करके, तो वो क्या कहलाता है? चीविंग। क्या कहलाता है बेटा? चीविंग। जैसे एग्जाम्पल इसका हुआ काउ बफेलो। क्या लिखा है? चीविंग द कर्ड इज चीविंग द फूड दैट वॉज स्वेलो बिफोर। यानी स्वेलो करने के बाद फिर से उसको चबाना, वो क्या कहलाता है? चीविंग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हुआ? काउ और बफेलो। अगला है डिस्क्राइब द फीडिंग हैबिट्स ऑफ बफेलो। बफेलो की क्या फीडिंग हैबिट्स होती है उसको बताया है। बफेलोज आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। बफेलो क्या है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स है। इट मीन्स बफेलोज आर हर्बिवोरस। इसका मतलब ये हुआ कि बफेलो कौन से एनिमल्स है? हर्बिवोरस एनिमल्स है। आपको बताया डिस्क्राइब द फीडिंग हैबिट्स ऑफ बफेलो।
बफेलो कौन से एनिमल्स है? तो बफेलोज आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, बफेलो प्लांट खाते हैं, इट मीन्स बफेलोज आर हर्ब्योरस। इसका मतलब ये हुआ कि बफेलो क्या होगा बेटा? हर्ब्योरस होगा। अगला है आप लोगों का, वाट डू यू मीन बाय फूड चेन? फूड चेन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? फूड चेन से आप लोग क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाना है। तो आप लोग ने लिखा है, फूड चेन इज अ लिंक इन विच एन एनिमल्स बिकम प्रे टू अनदर एनिमल्स। फूड चेन वो है जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? फूड चेन। अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विथ अ प्लांट। और फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑलवेज प्लांट से स्टार्ट होती है। फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? प्लांट से स्टार्ट होती है। तो लिखा है, फूड चेन इज अ लिंक इन विच एन एनिमल्स बिकम प्रे टू अनदर एनिमल्स। फूड चेन जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? फूड चेन कहते हैं। और फूड चेन ऑलवेज कैसे स्टार्ट होती है? प्लांट से एनिमल स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास, ग्रास के बाद क्या आ रहा है बेटा? ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर के बाद आ रहा है फ्रॉग, फ्रॉग के बाद आ रहा है स्नैक, और स्नैक के बाद क्या आ रहा है? ईगल। ये आप लोगों का इसका एग्जाम्पल हुआ। तो यहाँ पर आप लोगों के ये क्वेश्चन आंसर मैंने सॉल्व करा दिया है, इसको आप लोगों को कॉपी में लिख लेना है ना। और लिखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिख करके होमवर्क कर लेना है, इसको आप लोगों को याद भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आप लोगों को परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? इसके अलावा मैंने एक मैच द कॉलम बनाया है। मैच द कॉलम्स हर्बियोरस, कॉर्नियोरस, ओमनियोरस, स्क्रेवेंजर और ग्रेविंग एनिमल्स। तो हर्बियोरस को कौन से मैच करेंगे? यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है रैबिट, वल्चर, काऊ, क्रो एंड लायन। तो हर्बियोरस को आप कैसे करेंगे? काऊ से। कॉर्नियोरस को आप लायन से करेंगे। ओमनियोरस ये आप लोगों को मालूम है किससे करेंगे? स्केवेंजर्स आप लोगों को मालूम है, वल्चर से करेंगे। ग्रेविंग कौन से हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रेविंग ने नेविंग, नेविंग एनिमल्स कैसे करेंगे? रैबिट से। तो ये आप लोगों को मैच कर लेना है। क्या करना है? मैच कर लेना। ये ओमनियोरस को किससे मैच करेंगे? क्रो से। किससे मैच करेंगे? क्रो से। तो ये मैच कॉलम को भी आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो आज ये लेसन आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका अगला लेसन पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। तो आप लोगों को एक्सरसाइज आप लोगों को कॉपी में कर लेना है। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले एक बार लेसन को अच्छी तरह से रीड करना है। इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं जिसको आपको रीड करना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, उसकी स्पेलिंग याद करना है। उसके बाद आप लोगों को ये एक्सरसाइज कॉपी में करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए आज इतना ही, इसके बाद अगला लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।